हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे टीवाई बीकॉम के जो बच्चे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो डायरेक्ट टैक्स का है, और इस टॉपिक का नाम भी है जो हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं इस समय, रेसिडेंट एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। गाइस, इस रेसिडेंट का सेकेंड टॉपिक है टीवाई बीकॉम वाले के बच्चों का। इसमें से गारंटी 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ ही जाता है एग्जाम में, और जिस टाइप के सम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो में मैं उस टाइप के सम सॉल्व भी करवाऊंगा इस वीडियो के बाद, और उस सम को सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि क्या ट्रिक है और कैसे सम हम सॉल्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक देने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ बहुत हैप्पी हो गए। तो चलिए फ्रेंड, हम आगे का वीडियो चालू करते हैं। सो जैसे कि गाइस, मैंने आपको टॉपिक का नाम बता ही दिया हूँ, और इस टॉपिक में फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, दो तरीके के सम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दो तरीके के सम होते हैं। पहला जो सम होता है, हमें रेसिडेंट स्टेटस में सामने वाले पर्सन का रेसिडेंट स्टेटस जानना रहता है, मतलब कि वो जो बंदा है वो इंडिया में कितना दिन था, कितना दिन है, तो वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, कि रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस टॉपिक में जो आज हम करने जा रहे हैं वो मैटर का नाम है टैक्सेबल ऑफ इनकम, मतलब उस सामने वाले इंसान का टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम कितना, उसको टैक्स कितने इनकम के ऊपर रखना है। कोई भी इनकम दिया जाएगा उसके ऊपर आपको बताना है कि वो इनकम टैक्सेबल है, तो किस किस में टैक्सेबल है। तो चलिए हम फ्रेंड जानते हैं कि कैसा वो है। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस समय, उस वीडियो का मतलब इस सम का। तो यही मेरे पास ट्रिक है, बहुत सिंपल है, जो आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला मैंने लिख दिया नेचर ऑफ इनकम। मेरे पास ये तीन टाइप के जितने भी सम होंगे, ये तीन टाइप के ही इनकम होंगे। अब आपको पहचानना है कि वो इन तीनों में से कौन से इनकम है, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको ये तीन एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपके सामने इधर दिख रहा है कि ये क्या है। पहला लिखा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब वो बंदा जो भी होगा, जो भी पर्सन होगा, वो इंडिया में रेसिडेंट है, ठीक है, इंडिया में रहता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब है कि वो हमेशा इंडिया में ही रहता है। उसके बाद जो लिखा हुआ है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट आपको बता दिया मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब वो हमेशा ही नहीं, पूरे साल इंडिया में नहीं रहता भाई, बाहर गांव में जाके रहता है, कभी इंडिया में रहता है, मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं है। नॉन रेसिडेंट मतलब वो इंडिया का ही नहीं है, ठीक है, सीधा बाहर का, इंडिया में रेसिडेंट ही नहीं है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात ही नहीं आती है। ये तीन एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेचर ऑफ इनकम है, मेरे पास तीन ही मैंने उसमें लिखा हुआ है, और ये तीन में ही पूरे सम होंगे, ठीक है, ये तीन ही इनकम में। आपको ऐसे बहुत से इनकम देंगे, 8-10 इनकम दिए रहेंगे, उसमें से आपको पहचानना है कि इनकम कौन सा है और कितने में टैक्सेबल करूं। तो जैसे कि मैं फ्रेंड्स आपके सामने पहला लिखा हुआ है इनकम रिसीव इन इंडिया। गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन में बोल दिया इनकम रिसीव इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल, तीनों कॉलम में टैक्सेबल, मतलब फिर वो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी टैक्सेबल है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट में भी टैक्सेबल है। अगर दूसरा आपको पूछता है, अगर वो इनकम फॉरेन इनकम लिखा हुआ है बट मैनेज एंड कंट्रोल इन इंडिया, क्या है मैनेज एंड कंट्रोल, गाइस इसी के ऊपर ध्यान देना है। अगर बोला है कि मैनेज और कंट्रोल कहाँ का है, इंडिया का है, तो ऐसे टाइम पे दो में टैक्सेबल, तीसरे में कुछ नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड, समझा। अगर कंट्रोल इन इंडिया बोला या मैनेजमेंट इन इंडिया बोला है, तो दो ही में लिखेंगे, तीसरे में नॉन रेसिडेंट में कुछ नहीं आएगा। अगर अदर इनकम है, मतलब वो इंडिया का भी इनकम नहीं है, फॉरेन के भी इनकम जो इंडिया में कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो भी नहीं है, सिर्फ फॉरेन का ही इनकम है, तो सिर्फ एक में टैक्सेबल आएगा, दो में कुछ नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही ट्रिक है, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। अगर इनकम रिसीव इन इंडिया बोला है, इन इंडिया का इनकम है, तीनों में टैक्सेबल। इनकम फॉरेन है लेकिन कंट्रोल और मैनेज इन इंडिया में, तो दो में टैक्सेबल, तीसरे में कुछ नहीं आएगा। अगर अदर ही इनकम है, मतलब फॉरेन का ही इनकम, इंडिया का लेना ही देना नहीं है उसके साथ, तो सिर्फ एक में टैक्सेबल, दो में टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। मैं आपको एक सम दिखा देता हूं आपके इस, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इससे आप मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि वो सम किस टाइप के और इन तीनों में से कौन सा इनकम आपके पास आ सकता है। तो इधर सम लिखा हुआ है, मिस्टर टॉम अ ब्रिटिश सिटीजन हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31st मार्च 2019।
सीरियल नंबर दिया हुआ है फर्स्ट से लेके एट तक, पर्टिकुलर दिया और उसका अमाउंट दिया हुआ है। पहला एंट्री जो दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया 50,000। देखिए ये इन इंडिया बोल दिया है, मतलब क्या होगा, तीनों में टैक्सेबल, तीनों में लिखेंगे। फिर क्या बोला है, इनकम प्रॉपर्टी इन रोम, ये इंडिया में इससे रिलेटेड आया नहीं आया, कंट्रोल या मैनेज बोला नहीं बोला, रोम मतलब अदर वाला, तीसरा वाला, एक में टैक्सेबल बाकी में दो में कुछ नहीं। फिर क्या बोला है, इंटरेस्ट फॉर बैंक अकाउंट इन इंडिया, इन इंडिया आ गया, मतलब तीनों में लिखेंगे। फिर चौथा वाला क्या बोला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश ब्रिंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इधर आया ना कंट्रोल, मतलब जो सेकंड वाला था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, अगर कंट्रोल आया या मैनेजमेंट आया तो क्या करेंगे, दो में टैक्सेबल, तीसरे में कुछ नहीं लिखेंगे, तो 16,000 दो में लिखेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरे में कुछ नहीं लिखेंगे। पांचवा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन USA, इंडिया से रिलेटेड है नहीं, कंट्रोल या मैनेजमेंट है नहीं, मतलब तीसरा वाला अदर इनकम, अदर इनकम एक ही में टैक्सेबल बाकी दो में नहीं, तो 11,000 एक कॉलम में लिखने का बाकी दो कॉलम में नहीं। फिर सैलरी अर्न एंड रिसीव टोक्यो, ठीक है इंडिया से रिलेटेड है नहीं, कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया है नहीं, मतलब अदर फॉरेन इनकम है, तो एक में टैक्सेबल बाकी में नहीं। इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंडन, इंडिया से रिलेटेड है नहीं, कंट्रोल या मैनेजमेंट है नहीं, मतलब कौन सा इनकम है, फॉरेन इनकम, तो एक ही में 13,000 एक में आएगा। डिविडेंड एंड ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन इंडिया, ठीक है इन इंडिया आ गया ना, इन इंडिया आ गया मतलब किसना करेंगे, तीनों में टैक्सेबल। और नीचे क्या बोला, कंप्यूट द टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20, इफ क्या निकालने बोला हुआ है, रेसिडेंट, जैसा कि हम मैंने बताया था ना आपको फ्रेंड्स की रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, देखिए वही तीन बोला है, रेसिडेंट अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट अ नॉन रेसिडेंट, ये तीन कॉलम बनेंगे और एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, आंसर करो गाइस। मैंने ये जो क्वेश्चन रखा हुआ इसके आंसर पहले आप करोगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आपने अगर इसका आंसर कर दिया ना फ्रेंड्स तो मतलब कि आपको ये टॉपिक आ गया और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और इसका आंसर का वीडियो इसी वीडियो के बाद है, इसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और ये वीडियो जैसा खत्म होगा जो चार आते हैं ना वीडियो उसमें से एक पहला जो वीडियो होगा वो इसी के आंसर का वीडियो होगा। और गाइस अगर आपने इसका आंसर करके मुझे दे दिया बिना मेरा वीडियो देखे तो गाइस आपको मेरे तरफ से जो क्वेश्चन आप बोलोगे वो सॉल्व करके दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको टैक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए ना मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं होगा तब भी आप मुझे अगर कमेंट करोगे कि सर आपका मुझे व्हाट्सअप नंबर चाहिए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। तो अगर जो बच्चा इसका आंसर बिना देखे मेरा आंसर का वीडियो देख के बिना देखे करेगा मैं उसको मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वो मेरे को कभी भी हेल्प ले सकता है एग्जाम के टाइम पे भी। तो अगर ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक दीजिए मुझे इस वीडियो में, बिकॉज आपके एक लाइक से आपके कमेंट से शेयर से सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है और मेरे को नया वीडियो बनाने मजा आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए।